वर्ग नवम और दसवां के छात्र इस बात को ध्यान रखें कि आज हम लोग संस्कृत का जो पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं उस पर विचार विमर्श करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि संस्कृत जिसका कोड नंबर 122 है और पूर्णांक 80 अंक के होते हैं, संस्कृत के प्रश्न पत्र जो है वह क्रमशः दो खंड में विभक्त है, खंड अ और खंड आ, ये दो भागों में व्यक्त किए गए। उसके प्रत्येक भाग 40-40 अंकों के। अब खंड अ के प्रश्न के प्रारूप क्या होंगे उसका भी वर्णन यहां है। खंड अ के प्रश्न प्रारूप भी दो भाग में होंगे, जिसके पहले होंगे अनुपर्युक्त व्याकरणम जो 25 अंकों के होंगे और वह बहुविकल्पीय यानी जिसे एमसीक्यू आप कहते हैं कि 25 अंकों के होंगे। दूसरा उसी में पठित अवबोधनम होगा जो 15 अंकों के होंगे। अब अनुपर्युक्त व्याकरण के अंतर्गत क्या क्या चीज आपसे पूछे जाएंगे और उसके अंक कितने होंगे वो भी निर्धारित किए गए हैं। अनुपर्युक्त व्याकरण के अंतर्गत पहले आपसे संधि से प्रश्न होंगे जो 4 सवाल होंगे, एक एक नंबर के होंगे जो 4 नंबर के होंगे। दूसरा शब्द रूप यानी शब्द रूपाणी जो होता है उससे भी 4 सवाल होंगे जो एक एक नंबर के हैं। धातु रूपाणी उससे भी 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कारक और विभक्ति, कारक प्रकरण और विभक्ति से संबंधित भी आपसे 4 सवाल पूछे जाएंगे। प्रत्यय, प्रत्यय से रिलेटेड जो है उससे भी 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। संख्या एक उसके 3 प्रश्न होंगे और अंत में उपसर्ग है, उपसर्ग में 2 प्रश्न होंगे जो 2 अंकों के होंगे। इसी का खंड दूसरा जो पठित अवबोधनम है, पठित अवबोधनम के प्रश्न प्रारूप में भी उसके निम्न वर्णन है। प्रश्न निर्माणम जो 5 अंकों का, प्रश्न निर्माणम जो आप देखते हैं एक पंक्ति लिखा होता है उसी में किसी एक पद को या तो वह गाढ़े रंग में लिख देता है अथवा उसके नीचे अंडरलाइन किया होता है। तो जो स्थूल शब्द होते हैं या रेखांकित शब्द होते हैं उसी पर आधारित जो है सो प्रश्न निर्माण करना होता है और उसके लिए आपसे उसमें 5 सवाल पूछे जाएंगे। 5ों का अंक एक एक नंबर का होगा, 5 अंक हो जाएंगे। मेलनम जो इधर देखते हैं खंड और खंड आय के बीच में मिलान जो करना होता है वह एक मेल है जो विशेषण विशेष पर आधारित प्रश्न होंगे जिसे 4 सवाल पूछे जाएंगे। और तीसरा में है भाषिक कार्यक्रम जो उसके निर्देशानुसार जो उत्तर होता है किताब से संबंधित उसमें रहती है बातें, उससे आपके 6 सवाल पूछे जाएंगे। कुल टोटल इसकी संख्या 25 और ये 15 हो गए तो 40 अंकों के हो गए। अब खंड आ के प्रश्न के प्रारूप पर हम दृष्टि डालेंगे। खंड आ के प्रश्न प्रारूप क्रमशः इस प्रकार से होंगे। कौमे अपठित अवबोधनम जो 10 अंकों के होंगे, रचनात्मक कार्यक्रम 15 अंकों के और पठित अवबोधनम भी 15 अंकों के होंगे। अब अपठित अवबोधनम में एक गद्यांश दिए गए होंगे जो लगभग 80 से 100 शब्दों के बीच के होते हैं और उसी पर आधारित प्रश्न दिए होंगे। अब उस पर आधारित जो प्रश्न दिए गए उसके भी प्रारूप नीचे दिए जा रहे हैं। नंबर 1 में अधि लघुत्तरीय प्रश्न होंगे जिसके 2 प्रश्न होंगे 1 नंबर के होंगे, जिसका उत्तर एक पद में ही देना है, 1×2 अंक के वो होंगे। उस पर एक त्रिगुत्तरीय प्रश्न होंगे जो एक वाक्य यानी पूर्ण वाक्य में उसके उत्तर देने होते हैं, उसके 2 सवाल होंगे जो 2-2 अंक के होंगे और उसके
उसका मन चार हो जाएगा। एक शिक्षक का चयन करना होता है जो एक नंबर का होता है और उसी पे रिलेटेड लास्ट में एक लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें, जिसका अर्थ जो एक पद से एक वाक्य के बीच में उसके उत्तर होंगे उस पे आधारित तीन सवाल होंगे जो तीन अंक के होंगे। अब रचनात्मक कार्यक्रम के क्या प्रारूप है उस पे हम लोग दृष्टि डालेंगे। अब जहां तक रचनात्मक कार्यक्रम के प्रश्नों के प्रारूप का प्रश्न है वह निम्न प्रकार से है, जैसे उसमें सबसे पहला है पत्र लेखनम, और पत्र लेखनम के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। पत्र लेखन के अंतर्गत 10 उसके रिक्त स्थान दिए गए होंगे, उसके नीचे 10 मंजूषे भी होंगे, प्रत्येक मंजूषा का अंक के आधा अंक पर निर्धारित है, उचित मंजूषा के आधार पर उस पत्र को पूरा करना होगा। दूसरा उसमें जो सवाल आएगा चित्र वर्णनम, अब प्रश्न पत्र में ही एक चित्र बनाए गए होंगे जिस पर आधारित नीचे कुछ मंजूषा दिए गए होंगे और उसी चित्र को देख करके 5 वाक्य संस्कृत में निर्माण करना है। प्रत्येक वाक्य एक एक अंक के होंगे जो 5 अंक पर निर्धारित होंगे, अथवा अगर चित्र वर्णनम को सॉल्व नहीं करते हैं तो उसमें एक अनुच्छेद लेखन होगा जिसे निबंध करते हैं, और निबंध भी जो है 5 अंक में ही 5 पंक्ति में ही से लिखने है, प्रत्येक पंक्ति का मान एक एक अंक निर्धारित रहेंगे। उसके तीसरे सवाल है हिंदी अथवा अंग्रेजी में 5 वाक्य दिए गए होंगे जिसे संस्कृत में उसका अनुवाद कर देना है, और उसके लिए भी 5 अंक यानी प्रत्येक अनुवाद एक एक अंक के हैं। अब खंड आज के जो पठित अवबोधनम वाला जो प्रश्न है उस पर विचार करेंगे। अब खंड आज के तीसरे विकल्प जो है सब पठित अवबोधनम जो 15 अंकों के होते हैं, उन 15 अंकों में एक गद्यांश से सवाल रहेंगे, उसमें 2 सवाल एक सवाल होंगे जिसमें एक पद में उत्तर देना है जिसका मान आधा गुना 2 यानी आधे आधे नंबर के 2 सवाल होंगे, उसी में एक पूर्ण वाक्य में उत्तर देना होगा जो एक अंक के होंगे, एक प्रश्न होंगे जो 2 अंक के होंगे, उसके मान 3 हो जाएंगे। पदांश यानी श्लोक के माध्यम से भी आपसे इस तरह से 3 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे जिसमें एक पद वाले आधे आधे के 2 होंगे और पूर्ण वाक्य वाले जो प्रश्न है वह 2 नंबर के 1 होंगे। नाट्यांश के अंतर्गत भी ऐसे ही आपसे 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके लिए आधे अंक के 2 और 2 अंक के 1 प्रश्न होंगे जिसे 3 अंक पे निर्धारित किए गए हैं। चौथा में है अश्लोक अन्वय कार्यक्रम अथवा भावार्थ लेखनम। अश्लोक अन्वय का मतलब होता है एक अश्लोक दिए गए रहते हैं उसके 4 रिक्त स्थान रहते हैं और चारों रिक्त स्थान के लिए नीचे उसके मंजूषा दिए गए रहते हैं, उन मंजूषा के आधार पर उन श्लोकों का उचित अन्वय किया जाता है जो आधे गुने 4 अंक के हिसाब से उसके 2 अंक होते, अथवा कोई एक श्लोक लिखे गए होंगे जिसके लिए भी भवार्थ निर्धारित किया गया है, भवार्थ के लिए भी विकल्प दिए गए रहेंगे। 5वां और अंतिम जो आपका विकल्प है वह घटना क्रमानुसार है। घटना क्रमानुसार के अंतर्गत होता क्या है कि किसी भी पाठ से 8 पंक्ति इस प्रकार से ऊपर नीचे लिखे गए रहते हैं, मतलब फिर बदल करके जिसको पाठ के आधार पर यानी घटना के आधार पर उसे सजा के लिखना होता है, क्रमवाइज मतलब क्रमबद्ध रूप में उसको लिखना होता है और प्रत्येक पंक्ति का मान आधा ही होता है, इसलिए आधा एक एक मान होता है।
आधा गुना आठ चार नंबर का और चार अंक का होगा। प्रत्येक जो पंक्ति है वह आधे आधे नंबर का होगा और आठ पंक्ति में वह रहते हैं, आठों पंक्तियों का मान आधे आधे अंक के हिसाब से चार हो जाएंगे। इसलिए रचनात्मक अष्टक्रम के तीसरा विकल्प पठित अवबोधनम भी 15 अंकों पर निर्धारित किए गए हैं। धन्यवाद। इसके बाद जो है वह किताब से संबंधित है, अब कार्यक्रम शुरू करेंगे। इससे इन सिलेबस पाठ्यक्रम जो अभी तक हमने आपको बताया इसमें किसी प्रकार की कोई अगर समझने में आपको परेशानी हुई हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे, फोन करेंगे, मुझसे उस पर बात कर लेंगे। धन्यवाद।